सबको राम राम, बड़ों को प्रणाम, छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार। माइक के इस सभा को प्रोग्राम आप लोग है, माइक की व्यवस्था दिमाग वाई को निभा। तो आज आपने कार्यालय में इतना काम शुरू करने की पूजा करी, उद्घाटन को रूप होनी हो तो सको, तो पार्टी को आदेश भी हो के कोई आप राष्ट्रीय नेता या स्टेट बड़े लीडर लिया के बाद उद्घाटन कराऊंगा। आप एक बार ये सारो रात चाल जा, रात कुछ पूरा हो गयो तो एक बार से काम स्टार्ट करो। तो आज पूजा पाठ कर काम अच्छा स्टार्ट कर दिए गए हैं। अब एक बार सभी साथी बड़े बुजुर्ग बच्चे युवा सुन ले, ये मान के चले कि मेरा इस राजनीति में आना बाई चांस है, ईश्वर की कृपा से हूं, तो कोई ना कोई नई इम्प्लीमेंट, नया डेवलपमेंट तो फतेहपुर की धरती पे होना है, नहीं शायद मुझे यहां ईश्वर नहीं भेजता। इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। मेरे कंसर्न बहुत क्लियर हैं, क्योंकि 30 साल पहले सीकर में एक एजुकेशन की अलख जगाने के लिए ईश्वर ने मुझे काम लगाया। नाथ जी के आशीर्वाद से जन्मा हुआ व्यक्ति हूं मैं, तो कहीं ना कहीं नाथ जी को लगा होगा कि उधर तेरा उपयोग हो गया, अब तेरे बच्चे बड़े हो गए, वो काम आराम से वो डेवलप कर सकते हैं, अब तेरा काम इस राजनीति के माध्यम से अपनों की ओर सेवा करनी चाहिए। तो मैं बिल्कुल स्पष्ट है, मैं इस राजनीति में केवल और केवल एक चीज के लिए आया हूं कि मैं अपनों की सेवा कर सकूं। बाकी मेरा एक सेटल बिजनेस है, सेटल मेरी लाइफ है, बहुत आराम से एक जिंदगी। मैं कोचिंग में 15-16 घंटे काम करता था, तो मुझे लगता था मैं बहुत काम करता हूं, पर यहाँ के पता लगा कि यहाँ और ज्यादा काम करना होता है। वास्तव में राजनेताओं ने ताली बजाए, राज बहुत काम करता है। बहुत स्पष्ट कहता हूं, वास्तव में पता लगा राजनीति में इसलिए उनको लोग पलक पावड़े बिछाते हैं। लेकिन हमारे फतेहपुर का दुर्भाग्य ये है कि हमारे पास कोठार की चाबी तो है हमारे पास, पर कोठार के अंदर हम सामान नहीं बना पाए कभी भी। 93 में देश आजाद होने के बाद एक बार कमल के निशान पे यहाँ विधायक बने, उसके बाद मैंने आंकड़े देखे हैं, एक चुनाव ऐसा है जहां कांग्रेस के पास हमसे ज्यादा वोट है, बाकी सारे चुनाव में कांग्रेस का टोटल वोट बैंक है वो बीजेपी के वोट बैंक से आधा भी नहीं है। ये केवल हमारा आपसी कहीं ना कहीं कठर कठा आपणों को थोड़ी बहुत कमी रह के बटे, नहीं तो बीजेपी ही अठे जीतनी चाहिए, कांग्रेस के जीतने की कोई संभावना नहीं है। और ये गलती इस बार यहाँ मैं मानूंगा अठे कोई आ गलती करे को नहीं। आप हर व्यक्ति श्रवण है, मुझे इस बात को कहने में या नहीं कहने में कोई संकोच नहीं है। मैं तो एक्चुअल में राजनीति का जितने लोग बैठे हो ना उन सबसे आखिरी लाइन का व्यक्ति हूँ, मैं तो लास्ट कार्य करता हूँ, मुझे इसकी एबीसीडी नहीं आती है। बट इतना ही पता है मेरे को कि आदमी को हमारे जो फतेहपुर जन है उनको जाके एक ही बात कहनी है कि फतेहपुर का नया डेवलपमेंट करना है तो हमें कमल को खिलाना होगा, कमल खिलाएंगे तो श्रवण विधायक बनेगा, वो विधानसभा में जाएगा, विधानसभा में फिर अगला प्रश्न अगले में छोड़ दें, आप अगला प्रश्न अगले में छोड़ दें, विधायक बनेगा, विधानसभा जाएगा, अगला प्रश्न आपको बताते हैं, इसका उत्तर आप दे दो, क्या ये व्यक्ति विधानसभा में बोल पाएगा कि नहीं बोल पाएगा? बोल पाएगा जब आदमी जिस आदमी के मेरे तो खुद के मोटिवेशनल वीडियो YouTube पे जिनमें लाखों फॉलोवर हैं, यदि आप मुझे इस सक्षम बना दोगे तो आप मान के चले कि फतेहपुर में बहुत कुछ है। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, पिछले 20 साल से हमारे जो सेठ साहूकार हैं उनसे कनेक्ट करने वाला विधायक बना ही नहीं, कई करोड़ों रुपए तो हमारे यहाँ के लोकल सेठ फतेहपुर को देने को तैयार डेवलपमेंट के लिए। हमें तो मैं कहता हूँ राजस्थान सरकार, भारत सरकार तो है ही है, हमारे सेठ भैया अपने आप ही सरकार है पैदल फतेहपुर के, तो नाम ही से कहा वाटी फतेहपुर फेमस है। उसके बाद शिक्षा की बात करें तो मैं कोचिंग चलाता हूँ, रिजल्ट सब हमारे आते हैं तो हमारे फतेह कोचिंग रिजल्ट आता है खुशी होती है, बट उसमें थोड़ा सा स्वार्थ होता है। फतेहपुर कितने बच्चे, तो फतेहपुर के बच्चे देखते हैं तो बोलते हैं मेरी कोचिंग का विज्ञापन किसी और का विज्ञापन हो, हमारी संख्या बहुत ज्यादा नहीं होती है, तो कहीं ना कहीं हमें सोचना पड़ेगा हमारे कितने IAS है, हमारे कितने IPS है, हमारे कितने RJS है, हमारे कितने अच्छे ऑफिसर्स है, हमारे कितने डॉक्टर्स है, हमारे कितने IT है। कि दोस्तों यदि आपके गाँव का एक लड़का अधिकारी बन जाता है, आपके गाँव का एक लड़का अच्छा डॉक्टर बन जाता है, आपके गांव का एक योग्य व्यक्ति बन जाता है, तो हमें
मैं इलीगल काम की बात नहीं कर रहा, इलीगल काम इस दुनिया में कोई नहीं करवा सकता, लेकिन लीगल काम के लिए भी जानकारी होनी चाहिए। जैसे आप सीकर जाते हो तो आप में से 90% लोग लगता है कि यार आरोसा वाला किसकी है, तो मैं मेरे लगभग आ जाए 10% लोग तो शर्मालू हुए कौन आवे भाई, कोचिंग बार दूसरे की हुए तो थान तीन बार सोचना पड़ा वहां जावा कौन जावा, क्यों बाकी सब सपने होते हैं अपने तो अपने। काम सीधी कहानी है, पेट पगा का नहीं उड़ेगो, सीधी सी बात है, पेट गोडा का नहीं उड़ेगो। आप मुझे मजबूत, मैं तो कहता आप मेरा फायदा लें। जो आदमी फतेहपुर में भाजपा को जितना चाहते हैं वो मेरा फायदा ले। भाजपा की एक बड़ी टीम है, भाजपा का वोट बैंक है, एडवर्स से एडवर्स कंडीशन में भी भाजपा के सिंबल पे यहाँ 40,000 वोट आए हैं, 60,000 से भाजपा फतेहपुर की काउंटिंग स्टार्ट होगी, उसके बाद हम पे डिपेंड करता कहाँ निकलेगा। इसलिए कह रहा हूं मैं, लास्ट ईयर जो आपका इलेक्शन हुआ उसमें कुछ बूथ पे कितने परसेंट पोलिंग हुई आप सब जानते हो, उनको माइनस कर दो अपने आप ही भैया इसी बात, आप सब जान, मुझे आपने फीडबैक दिया है, मैं कोड नहीं कर रहा। कुछ पोल है, मुझे किसी अधिकारी ने कहा कि साहब फतेहपुर में कैसी बूथ रही जहां 1004 वोट मान लो पोल हुए और 1004 में से 990 प्लस वोट एक आदमी के पक्ष में पड़ गया। हमने तो हमारे कभी जिंदगी देखा, ऐसा ही होता है क्या, जो एजेंट बैठते ना अंदर उनका ऐसा कैसे हो सकता है। तो दोस्तों हमें डेवलपमेंट की बात करनी है, मैं मेरे टीम के साथ जो भाजपा की टीम भाजपा कमल के लिए काम कर रहा हूं उसे एक ही बात कहता हूं, हमें कोई नेगेटिव बात नहीं करनी है, हम लोग संस्कारी हैं। स्वामी हमारे विवेक जो आर्य धर्म के संस्थापक हैं, स्वामी जी कहीं जा रहे थे, स्वामी जी कहीं जा रहे थे दयानंद सरस्वती तो कहीं जा रहे थे तो उनके ऊपर किसी ने कीचड़ फेंक दिया। मैं थोड़ा सा एक आप लोग थोड़ा सा शांत हो जाएंगे, माइक नहीं है इसलिए मैं बात को कह पाऊंगा। स्वामी जी दयानंद सरस्वती जा रहे थे, कुछ लोग कीचड़ फेंक दिया, कीचड़ फेंक दिया तो चेलों को गुस्सा आ गया, हमारे ताराचंद थोड़ा गुस्सा आ गया, स्वामी जी क्या करें। स्वामी जी ने कहा अपन क्या काम कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि अपन समाज की सेवा कर रहे हैं। आप क्या काम कर रहे हैं, आप कर रहे हैं कि महिलाओं को पढ़ाएंगे। आपको पता होगा इस देश में वेद पढ़ने का पहला अधिकार किसने दिलाया तो स्वामी दयानंद सरस्वती महिलाओं को, वो स्वामी दयानंद सरस्वती थे। आप बात शिक्षा की बात की, उन्होंने तो उन्होंने शिष्य से कहा कि आप काम क्या कर रहे हो, बोले समाज सुधार कर रहे हैं। तो बोला तुम्हारे दादाओं ने किसी खेती की है, बोले साहब बिल्कुल की है, बागवानी की है, बिल्कुल की है। बोले खेती है, किसान या बागवान सुबह अपने बाग में जाता है और वो अपने पौधों को सही करता है ना, तो उसमें मिट्टी गिरेगी, गोबर लगेगा, समाज को सुधारना है तो कीचड़ बर्दाश्त। तो दयानंद सरस्वती ने कीचड़ फेंका, बर्दाश्त किया, यदि समाज सुधार में मुझे कोई गाड़ी निकालता है तो कीचड़ फेंकता है, वो सुनने को तैयार। तो मेरे को एक ही बात की पार्टी ने कि आपका जन्मभूमि के प्रति कोई ड्यूटी नहीं है क्या, आपका कोचिंग बहुत अच्छा है, बिल्कुल आपकी जिंदगी आपके नाथ जी और गुरु जी के आशीर्वाद से माँ बाप का बढ़िया सेटल है, लेकिन यार क्या यही जिंदगी है क्या, फतेहपुर के प्रति आपका दायित्व तो नहीं है क्या। तो मैंने कहा साहब बिल्कुल जाऊंगा। दोस्तों मैं उस ग्रामीण पृष्ठभूमि से आता हूं जहां मेरे बहुत से परिवार के लोग देश की सुरक्षा के लिए सरहद पे शहीद हो गए, तो क्या मैं मेरी छोटी छोटी खुशियों का त्याग नहीं कर सकता। मैं केवल अपने उन सारी चीजों छोड़कर आपके बीच आया हूं और मैं स्पष्ट कहता हूं ये बात बहुत आप ध्यान सुन लें, यदि इस बार हम में से किसी ने गलती करती भाजपा के खिलाफ तो आगे शायद उम्मीदें हमारी खत्म हो जाएंगी। दोस्तों ये आप ज्यादा जानते हो मेरे से, आप ज्यादा आप सब लोग आप यहां से इस कार्यालय से इस ऑफिस से इस कर्म भूमि से, मतलब इसको बोलता है कर्मस्थली है, मेरी एक कर्मस्थली सीएलसी में थी, अब वो कर्मस्थली बच्चों ने ले ली, अब ये दूसरी कर्मस्थली जो है ये मेरी राजनीति है। मैं मेरी कर्मस्थली से बोल रहा हूं कि आप हर व्यक्ति श्रवण बने, आपको तीन चार चीजें फेस करनी होंगी जो मैंने सोशल मीडिया पे फेस कर ली। मैं सोशल मीडिया का बहुत अच्छा प्लेयर हूं, हमारी कोचिंग इंडस्ट्री में भी कुछ चलता है वहां में देखना पड़ता है। सबसे पहला आरोप लगेगा कि साहब ये तो कोचिंग में जब था तो हम इससे मिलने जाते थे तो ये हमें वेट कराता था। एक बताओ, मैं कल भी कहा था एक मुस्लिम भाई कोई नमाज पढ़ रहा है, एक हिंदू कोई पूजा कर रहा है और आप बाहर खड़े हो, चाहे बुआ के बेटे भाई भी क्यों ना हो, क्या वो नमाज छोड़ता है बीच में, क्या पूजा छोड़ता हो बीच में? तो साहब मेरी क्लास तो मेरी पूजा जैसी थी, मैं क्लास को कैसे वो पूजा की ना मैंने, वो 30 साल पूजा की ना, उसी का फल है कि घर बुला के लो ये टिकट पकड़ और पार्टी को जाके और पार्टी का सहयोग कर, ये सौभाग्य तब मिला। तो पहला आरोप लगेगा।
दूसरा अलग साहब उसको तो लोग बोस कहते हैं, तो इसका पास मेरे पास क्या इलाज है? एक बताओ बोस का बदमाश कैसे हुआ? आप गांव में बामन दादा ने क्यों बामन दादो तो दादा तो गुंडो तो दादो गुंडो क्या बोलो आप नाई ने दादो बोल सा मैं छोटा कच दादो नाई दादो बामन दादो हम दो संस्कारी हैं तो क्या गुंड बोस का मतलब होता है कि जो व्यक्ति बोस का मतलब होता है ब्रदर ऑफ स्टूडियस स्टूडेंट पढ़ने वाले बच्चों का बड़ा भाई ये होता है इसका अर्थ। तो ये शब्द आएंगे फिर वो कहेंगे साहब मैं बता देता हूँ आपको कि साहब वो तो 9 बजे उठता है और मिलता न भाई जी 9 बजे उठा माली बो कार्यक्रम चालते को नहीं बैठे तो चुनाव तो फेरी 5 साल हुआ है कोचिंग हर साल जून बताना पड़े मे भी मार्केट में हाँ यहाँ 5 साल लिखते वहां साल ही लिखती है वहां पर हर साल फिल्म करना पड़ता मे भी अमिताभ बच्चन कहता ना हर फिल्म के बाद करना पड़ता हम अमिताभ बच्चन है जी। इसलिए वर्किंग स्टाइल तो खैर मैं कल्पना नहीं कर सकता। फिर कई लोग कहते हैं क्या कौन सा फ्री पढ़ा दिया तुम्हारे एक साथ ही चुनाव लड़ रहे थे जो कड़ी ढोल रहे फतेहपुर की 20 साल हूँ वो एक चुनाव ऑटोमोबाइल की दुकान है वो आपके ऑटोमोबाइल पे 30% छूट देगा बत्ती में उतार लपड़ने दे देगा जरूर कौन नहीं 5 गुना कर दो वो आपकी 20 लाख की कार पे 2 लाख ऑफ देगो मैं फिर 5 लाख 5 गुना कर देते क्या रकम होना कर आगे सुने तो वो सोको नोट को अधिकार कैसे है किसी को। तो दोस्तों बिल्कुल कोचिंग चलाते हैं तो साहब 100 रुपए लेते हैं ना तो 85-90 रुपए स्टाफ को बांटने पड़ते हैं हमारे घर में 100 के 100 रहते हैं। आप कोई धंधा करते हो दुकान चलाते हो तो प्रॉफिट 1 लाख रुपए का गल्ला प्रॉफिट नहीं होता है प्रॉफिट तो अलग होता है गल्ले को आप कैसे कलेक्शन कैसे प्रॉफिट हो सकता है। तीसरी कहानी आएगी कि इससे मिलने सीकर जाएगा मुझे एक बात बताओ कामवासी विधायक जी कोई भी मैंने एक बताओ तो के विधायक थारे ऐसे कितना लोग यहाँ गला जगह का पिछले 5 साल में जब कांग्रेस चुनाव 5 साल में 10 बार भी विधायक से काम पड़ा आपको काम के जाना पड़ा क्या काम पड़ता गांव के आदमी के लिए एक काम पड़ता ट्रांसफर के लिए तो ट्रांसफर फतेहपुर बैठे भी मेलू हुआ है और सिकर बैठे भी मेलू हुआ है आजकल एप्लीकेशन मेलू जाए बस सिकर भेजो चाहे फतेहपुर भेजो। अच्छा दूसरी बात हो तो हमारे जितने भी राजनेता है बताओ किसका मकान है फतेहपुर में क्या आखम भाई का मकान फतेहपुर में रोड साहब से बैठते हैं जो हमारे दो साथी लड़ रहे हैं वो तो सीकर में बैठते हैं और सीकर करीब करीब विधायक जो हैं वो उनका सब क्या करते हेड ऑफिस की अच्छी बात है ना अल्टीमेट आपको पता है खुशी होनी चाहिए कि हमारे इस विधायक का भावी विधायक का सीकर में ऑफिस है जहां उसकी ज्यादा जानकारी है क्योंकि जरूरत पड़ती है आदमी को जरूरत 3 बार पड़ती है देखो हरी बीमारी हो जाओ तो हॉस्पिटल में आदमी खानो भेज दो रुपया दे दो और जानकारी तो जानकारी तो आज राजस्थान में आप कहीं भी जाओगे ना तो ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं है जहां मेरे चला डॉक्टर ने जरूरत नहीं आपको कहीं जरूरत नहीं है। मैं बज्जू गया एक बार गंगानगर जिले में वहां एक हॉस्पिटल जो सीएससी बोलते हो वहां जब गया मुझे रोक लिया सम्मान करेंगे वहां 9 पोस्ट थी टोटल बहुत कॉन्फिडेंट कहता हूं 9 पोस्ट में से वहां 4 बच्चे सीएलसी पढ़े हुए थे 4 डॉक्टर सीएलसी के थे। एग्जाम्पल देता हूँ मेरी मदर इन लॉ का ऑपरेशन हुआ उनके घुटने चेंज करवाए सासू जी का तो उनको जो एक लड़की नर्सिंग स्टाफ है उनको सामने घुमाने के लिए आई तो उन्होंने पूछा भी आप कहाँ से हो उन्होंने सीकर से हैं तो मेरी सासू तो बोलने में उड़ाऊ की बेटी है आगे से तो बोलने में तो ठीक है तो उन्होंने कहा तू सेल से जाने के बोले थे क्या जानो सीएल से मैं तो जाना सीएल से बोले मैं बाकी सासू हूँ बोले बेटा पढ़े रहा तो बाकी बात 2 दिन लड़की बहुत बढ़िया सेवा करी वहां लगे हो आप महाराज जवाई की पढ़ाई स्टूडेंट है ये भाव आदमी को भगवान ना करे हॉस्पिटल में जरूरत पड़ती है और ऐसा कोई हॉस्पिटल राजस्थान का तो नहीं है जहां नर्सिंग स्टाफ का लड़का डॉक्टर सीएलसी पढ़ावा नहीं मिलेगा या जो आप श्रवण का नाम ले दोगे कि था लो वो सीएलसी वालों ना मारो विधायक है तो मेरी गारंटी है आपको मेरे फोन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दूसरा गांव के आदमी का काम पड़ता है बिजली बोर्ड में तो बिजली बोर्ड में करीब करीब आज भी आपके शहर में लगे अफसर इधर उधर है ना या तो मेरे क्लासमेट है मंजीनियरिंग किया हुआ हूँ एक्सएन के पद तक तो हमारे साथ ही बैठे हुए हैं और बाकी मेरे स्टूडेंट लगे हुए हैं। फिर से कहता हूँ इलीगल काम तो कोई नहीं करा सकता और भैया इलीगल काम मैं तो बिल्कुल करा सकता नहीं मैं तो नाथ जी का भक्त हूँ माँ बाप के संस्कार है मैं उसके बारे में सोच सकता ही नहीं। उसके बाद बात चलती है कई बार लड़ाई झगड़े कुछ हो गए तो भाई 2 भाई लड़के झगड़ के आपस में आएंगे अपन उनका साथ नहीं देंगे भैया चाहे वोट दें या नहीं मैं तो उनका साथ 2 भाइयों को अब कुछ लोग ऐसे हैं जिनको भाई के प्यार का नहीं पता है एक भाई को ट्रिक लक्ष्मण दे दी दूसरा भाई यहाँ कड़ी डोलने आ गया उनको नहीं पता हमारा क्या होगा लेकिन तुम्हारा कारवा फाइनल चल जाएगा सीधी सी बात पड़ी है आज
गांव में लोगों को जाके मिसगाइड कर रहे हैं, एक जाति विशेष का बरगला रहे हैं। चलो मैं कहता हूं साहब, मैं फिर से ऊपर कहता हूं, शिक्षा से बड़ा मैं रोसा हूं, पढ़ाते तो खड़ा हूं ना। जो ये कहते हैं समाज के लिए हम किया, तो दोस्तों मैं ओपन चैलेंज देता हूँ, जाके पूछ लो कि पिछले 20 साल से यहाँ घूम रहे हो आप, तो 20 वो बच्चे बता दो जिनकी फीस की स्कॉलरशिप आपने दी है और आपके पैसे से 20 बच्चे पढ़े हैं। श्रवण चौधरी वो जो कहेगा कर लेगा, देगा उसके लोर बोलो। आपका फील था, आप 20 साल से थे, मेरी जिंदगी साहब हो तो 52 साल का है, बड़ी छोटी सी बता दूं लो कैसे। मेरे पिताजी शिक्षक रहे, पढ़ाई करते थे, घर से बाहर आने जाने देते थे नहीं, 8 बजे सोना भैया, सुबह टाइम गेला आनो गेले जानो बिकी देने ठकड़ा। 90 तक पढ़ाई की, फर्स्ट ईयर किया 90 में सिलेक्शन इंजीनियरिंग में हुआ, 90 तक पढ़ाई करी, 90 में कॉलेज चला गया, 95 में कॉलेज बाहर निकला, 20 निकला, 30 ने कोचिंग स्टार्ट कर दी, 96 में कोचिंग बढ़िया है। 2016 तक भाई जी सुबह 7 बजे बढ़ता और रात में निकलता 7 बजे, 20 साल कट गया वाहन पत्र चालू। बिल्कुल मैं खुद ही कह रहा हूँ, मैं मेरे परिवार किस तरह की शादी में बहुत कमा पाया था, क्योंकि पिताजी जाते मैं मेरे पास, मेरा धर्म था, मेरी सीएलसी है, मेरा पागलपंथी थी कि सीएलसी का सपना हर गाँव से डॉक्टर इंजीनियर बने अपना, और क्या वो सपना पूरा नहीं है क्या? सीएलसी क्या क्या लेटेस्ट एग्जाम्पल देता हूँ, बुद्धि बढ़ी में बजरंग जी चारण नाम के वहाँ एक अकाउंटेंट कह दो, मैनेजर बोल दो, उसके 3 ही बच्चे हैं अगले के, तीनों बच्चे मुझे सौंप के आया था, और क्या फीस थी पूछ रहे अगले से, सेव क्या होता है, तीनों बच्चे मुझे सौंप के आया, दोनों बच्चे आज अगले के मेडिकल में है, बेटा आईटी में है, एक सामान्य से प्राइवेट नौकरी करने वाले आदमी के 2 बेटियां डॉक्टर है, एक बच्चा आईटी में है, आज के 10 साल बाद वो इस फतेहपुर शहर के 10 वीआईपी में सामने जाएगा, मेरी गारंटी बहुत दो डॉक्टर। लक्ष्मीकांत हमारे मेरे गांव के बच्चा, आज नहीं पैसा नहीं लिया इन्होंने 98 में की थी नहीं। आज भी रोसा में सुनो साहब, आज भी जो जिस गांव से हैं, जो बाइक बेचते हैं कार बेचते हैं, उनको पूछो तुम्हारे गांव में तुमने कभी 1 रुपया, आज भी रोसा के 11 बच्चे पढ़ते हैं, उनके 1 रुपया फीस नहीं है मेरी कोचिंग में, 1 रुपया फीस नहीं है उनके। मैं मुझे किसी ने कहा अनाउंसमेंट कर दो स्कॉलरशिप का, मैंने कहा यार मैं ये इतना छोटा नहीं हूँ कि वोट के लिए मैं फीस में छूट करूँ, मैं तो इतना जानता हूँ कि आपके अपने संस्था जैसा आज तक हुआ ना उससे आगे बढ़िया ही होगा, आप इसलिए बात है, प्रबड़े की सपना है, ये यूथ सुने, जवान बच्चे सुने, दोस्तों प्रॉपर शिक्षा जब तक नहीं होगी, क्योंकि आजकल बिजनेस भी भैया पढ़ाई जरूरी है, आज कम पढ़ा लिखा आदमी खेती भी नहीं कर सकता, आजकल खाद की क्वालिटी कौन सी है, कौन सी खाद देनी है, कब देनी है, कौन सी मिट्टी कैसी है, किस मिट्टी में फसल क्या होती है, आजकल सब जानते हैं, फसल भी आजकल साइंटिफिक हो गई है। आप सब लोग यहां से श्रवण बन के निकले, लोगों के जो प्रोपेगेंडा है, देखो सुनो भाई, मैं 2 चीज में यहां उनको नहीं हरा सकता, राजनीति की चालाकियां, राजनीति की टैक्टिक्स, और मतलब जो कहते हैं कि उनमें मैं किसी को पीछे, मैं बहुत पीछे हूं। हाँ मैं इतना कह सकता हूं, मैं शिक्षा की बात करूंगा आपके बच्चों के साथ में, और फतेहपुर यह मैं निश्चित है फतेहपुर में एक ऐसा इंस्टीट्यूट डेवलप जरूर करेंगे जो यहां के लोगों के बहुत काम आएगा, ये मैं कमिटमेंट करता हूं। तो सभी लोग यहां से श्रवण बन के बाहर निकलेंगे और कन्वे करना है, यदि कोई आदमी मिसगाइड है तो भाई सुनो, बीमार से मिलकर आने से बीमार ठीक नहीं होता है, बीमार से मिलकर आने से बीमार ठीक नहीं होता, बीमार है तो उसको दवाई दिलाओ, उसके लिए दुआ करो, दवाई आप डॉक्टर देगा, दुआ हम करेंगे, तो कोई हमारा भोला भाड़ा भाई इनके चक्रियों में उड़ जके और कमल को मुरझाने का प्रयास कर रहा है उसको कहो। और मैं तो कहता हूँ फिर एक बात आती है, उनको कहो कि ये स्थिति है, ये आदमी यदि जाता है असेंबली में बोलता है, राजस्थान 200 की 200 विधानसभा में स्टूडेंट है, राजस्थान की 200 विधानसभा में यदि किसी व्यक्ति को माफी चाहता हूं, किसी व्यक्ति को जानते हैं तो आपके सामने खड़ा, ऐसी कोई विधानसभा नहीं है जहां के 100 200 बच्चे 500 हजारों बच्चे आज तक पढ़े हुए नहीं है। आप राजस्थान में कहीं भी जाएंगे, मैं राजनीति में आ गया तो निश्चित बात है मेरे बच्चों को पता भी लग गया, मेरे पता कारण लग गया, तो उससे पता है क्या सीएलसी अच्छा फतेहपुर विधानसभा के हो गए तो आपके बहुत सारे काम हो जाएंगे। इसका मैं एग्जांपल देता हूं, एक बार हम कहीं रात को जा रहे थे 12:30 बजे, तो रात को पुलिस के भाई होते हैं, ड्यूटी होती है गाड़ी चेक करना, तो गाड़ी चेक की तो मैं सो रहा था, तो उनका यार गाड़ी श्रवण जी के 888 नंबर है इनके, बोले हाँ तो खुद है क्या, तो वहां जो जो अधिकारी खड़े थे उनका बेटा सीएलसी में पढ़ के इंजीनियर बना हुआ था, उनका भाई साहब मेरी तो आज ड्यूटी सफल होगी, मेरे तो वो आदमी मिल गया जिस कारण मेरा बेटा पढ़ के सिलेक्ट हुआ, ऐसे पता नहीं अनगिनत कितने कितने कितने। आज सुबह ही मैं एक धार्मिक स्थल पे प्रणाम करने गया तो वहां एक नया जोड़ा
पति पत्नी बच्चे थे वो मिल गए तो उन्होंने फोटो बनाई, बोले हमारे तो काम हो गयो, मंदिर भी आ गया और गुरु भी मिल गयो, तुम्हारी यात्रा पूर्ण होगी आज। तो भाई मैं अकेला कुछ नहीं कर पाऊंगा। और एक बार बार बात आती है भाजपा में गुटबंदी, कोई गुटबंदी कोई नाराजगी नहीं है, बाग परिवार जितो बड़ो सी भी के मां ब्याह में जान में चढ़ने हो पहले कोई ना कोई काको फूको मोसो रूसी रूसी। और एक बात सुनो, रूसने का अधिकार है, यदि मैं भी टिकट मांग रहा होता पहले और यदि मेरी किसी और को देते तो शायद हो सकता तीन दिन मैं रूठ के बैठते। तुम्हारे हमारे बटे हुए ही कटारिया जी बटे बोला ठीक है यारो कोई बात को नहीं, अब पहले थे माने हमारे बैठे कड़वास रंगे जब बोले साहब बिल्कुल मैं एक माने गोर्धन है मेरे बिल्कुल प्रणाम करे मैंने वो टिकट मिल जाए बोले देखो जब दो दिन थानों बात करूँ एक बार बोलो होता है क्रोध हमारे आज आई नहीं हमारे हमारे छोटे छोटे भाई है छोटे भाई की मैसेज है कहने का मतलब है अरे इतने पागल नहीं है कि अपने घर में आग लगा देंगे। घर में डिस्कस होता है घर पे आग नहीं लगाई जाती है कभी आप अपने। और दोस्तों सुनो आदमी की कोई वैल्यू पार्टी की है, भाजपा है तो हम सब हैं, भाजपा है तो देश सुरक्षित है। याद करो जब से नरेंद्र मोदी ने जब से प्रधानमंत्री का पद संभाला है उसके बाद याद करो स्टेशन अनाउंसमेंट कि प्लीज लावारिस वस्तुओं को छुए नहीं बम हो सकता है। अरे उस शेर ने जब पद संभाला ना ये अनाउंसमेंट बंद हो गया स्टेशन ऊपर कभी छोड़ के देखना देश अलग जा रहा है। और निश्चित बात है जो आदमी बड़ी बात करता है वो एक बार शुरू में पागल लगता है, जिसने कहा ना पृथ्वी गोल है उसको लोगों पागल ही कहा था। इसलिए हो सकता है मेरी कुछ बातें एक बार समझ में नहीं आए मेरे आपके नहीं आए, लेकिन हम यहीं रहेंगे तो सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। और अब आज से हमने एक विधिवत शुरू की है तो मेरी पहले मैं धार्मिक यात्रा करूंगा राजनीतिक यात्रा शुरू कल करूंगा। आज शाम को सारनाथ जी का मंदिर है मेरे ननियाल के पास, वहां से मेरी व्यक्तिगत यात्रा बोली हुई थी एक पहले से ही, मैं दंडवत यात्रा करूंगा। तो जो भी उसमें ये पार्टी पॉलिटिक्स का प्रोग्राम नहीं है, ये टोटल में परिवार का प्रोग्राम है, पूर्णतः पारिवारिक प्रोग्राम है। जो मेरे परिवार का मेंबर है तो वो सब लोग 4:15 बजे सारनाथ जी का मंदिर मतलब ये आपकी गोविंदका सती जो आजकल है वहां है, वहां से दंडवत यात्रा हम करेंगे। 4 बजे रवाना होंगे, 6:30 पहुंच जाएंगे और वहां नगर सेठ नगर देवता लक्ष्मी बाबा जी के धोख देके और मैं सबसे पहला राजनीतिक प्रोग्राम मेरी जन्मभूमि रोसाव में करूंगा। रोसाव के सब बच्चे कह रहे हैं कि काका हमने 8 बजे गांव में अनाउंसमेंट कर दिया है रोसाव शुरू करके। और दोस्तों फिर मैं एक एक व्यक्ति के पास आने की कोशिश करूंगा, लेकिन ये प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है कि मैं 2.5 लाख लोगों से अगले 10 दिन व्यक्तिगत मिल लूं, यह संभव नहीं है। इसलिए जरूरी नहीं है कि व्यक्ति मिलूं आपसे, लेकिन मैं आप यदि मुझे उस लाइक बनाते हो तो फिर उसके बाद आपके जो काम होंगे जो व्यवस्थाएं होंगी उनके लिए उपलब्ध रहेंगे। दूसरी बात एक और है, आप किसी बड़े आदमी के सफल आदमी के पास जाओ, आप मान लो मंत्री के पास गए एमएलए के पास गए, आप एक बार मिलोगे उसके बाद वो काम किसको बताएगा, अपने पीए को बताएगा अपने साथी को बताएगा। तो मेरे को साथी और पीए अलग से अपनाने की जरूरत ही नहीं ना, मेरा सेटअप पहले से वैसा है। आप सीकर में जाते हैं हॉस्पिटल में गए तो सबसे व्यवस्था के खाने की होती है, तो हमारी तो भैया मैस में आज तक हमने तो 28 साल हो गए, हमने तो हमारी मैस में कभी किसी अनजान को खाने के लिए मना नहीं किया। आप मेरे फतेहपुर के अपने होते हो तो कैसे मना हो सकता है, सोने की व्यवस्था रहने की व्यवस्था तो हमारे कॉमन है, कॉमन को से देखो। 100 आदमी रहो आके रहो ना, 100 आदमी रहो 200 रहो कोई मुद्दा ही नहीं है, ये जानते हमारे सोडा जी सब लोग हमारे जो पड़ोसी वहां के लोग हैं। इसलिए मैं कोई चुनावी वादा नहीं कर रहा, एक ही वादा कर रहा हूं कि जो आज तक हुआ है ना उससे आपको बेटर करके दिखा दूंगा, क्योंकि मैं इतना पढ़ा लिखा तो हूं कि मैं 5 साल में ऐसी कोई बेवकूफ नहीं करूंगा कि 5 साल बाद मुझे कोई काम चेंज करना पड़े। सीधी सी बात है, 30 साल मैंने कोचिंग चलाई तो क्या वहां प्रॉब्लम नहीं आई, क्या अप डाउन नहीं आए, क्या जगह छोड़ी मैंने, तो मैं यहां भी प्रॉब्लम आएंगी यहां भी जाएंगे। अब मेरी आखिरी सांस तक मुझे इस फील्ड में रहना ही रहना है, बाकी नहीं। और मैं तो जिस शहर में बैठा हूं साहब फतेहपुर में, मेरा ननिहाल यहां है, मेरा बचपन यहां है, सब कुछ यही है। तो आप सभी से निवेदन है, मेरे शब्दों का आप भाव यही है कि सब व्यक्ति श्रवण बन के जाएंगे। और एक बात सुनो, चुनाव में आते ही कास्ट की बात होती है, ये जाट है राजपूत है ब्राह्मण है ये मुसलमान है, मैं तो भाई साहब इसको बिल्कुल मानता ही नहीं हूं। आप मेरी कोचिंग में फोन करें, एक मेरे अकाउंटेंट हैं जिनकी डेथ होगी, वो जात से राजपूत थे, उनके लिए इस कोचिंग ने क्या किया फोन करके पूछे, मैं यहां बोल नहीं सकता, वो जो किया पल्ले पड़ जाए तो वो राजपूत थे।
मेरा ड्राइवर हिदायत मुस्लिम है, 20 साल से कल अपॉइंट नहीं किया चुनाव, 20 साल से मैं ड्राइवर है, मेरे घर में कोई नई गाड़ी आती है ना तो हिदायत लेके आता है, मेरे बेटे की शादी हुई बेटे बहू को उसको बोला हिदायत तू लेके आएगा, मैं जब पार्टी ज्वाइन करने गया वो मेरे साथ गया, मैं यहां भी उसी के साथ, और मेरा पहला दोस्त नारी दूसरा गांव है मेरा, मैं रोसा पढ़ा पांचवी तक, फिर नारी पढ़ा इसलिए भाई बैठे, ये मेरा नारी दूसरा घर है, अक्सर मेरा फ्रेंड है जिनके घर में मेरे घर से बाहर कहीं खाना खाया या सोया तो शनिवार को पिताजी गांव जाते थे तो हम लोग फिर सलीम भाई के, सलीम भाई उस समय बहुत ही सबसे स्मार्ट आदमी थे नारी के, अब तो खैर उम्र बहुत होगी सलीम भाई की, अब भी स्मार्ट है, अब तो है ही है उस उम्र में भैया, सलीम भाई आदर्श थे, सलीम भाई को देख के मुझे याद भी, सलीम भाई टोपी चश्मा लगा तो कई बार हम इनकी छीन के लगा लिया करते थे, बड़ा प्यार था। अगली चीज अब अपन जात पे आते हैं, तो जात पे आते हैं, मेरे घर में रोज पूजा करता हूँ, मेरे घर की पूजा की जो लड़का तैयारी करता है ना वो खनाराम का नाम का लड़का जाति से नाइक है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भगवान खड़ा मेरी पानी की बोतल लिए, बोतल दिखा, ये बोतल ये खड़ा, ये जात एससी का बच्चा, हमें इस बात से मतलब भाई के दिमाग में नहीं आया कि चीज हमारे खाना ही नाइक बनाते, ये हमारा और मेरे घर में दोनों जो हमारी बाप बेटी खाना बनाती है वो दोनों महिलाएं एससी, हमें इन चीजों का कभी सोचा ही नहीं हमने, इसलिए बोल रहा हूँ कि अधिकार मांगने से ना मिले पाप संताप हो जाए, धर्मराज जिए मर जाए, जब लोग कांच के टुकड़ों को हीरा बना के बेचने का प्रयास करते हैं तो हमारा धर्म बन जाता है, मैं एक बार स्पष्ट कहता हूं, माफी चाहता हूं, द्रौपदी का चीर हरण करने के लिए जितने जिम्मेदार कौरव थे भीष्म पितामह की चुप्पी भी अपने आप इतिहास में हमेशा कही जाएगी, भीष्म पितामह भी कहीं ना कहीं उसके लिए कुछ परसेंट जिम्मेदार थे, उनकी चुप्पी बहुत, इसलिए मेरे भीष्म पितामह बैठे हैं जो मेरे ताऊजी बोल के गए हैं, हम जिनको ताऊजी बोलते हैं इनको, आपको अभी नहीं पता कौन बंदे हैं, वो तो हमारा बड़ा भाई पवन दुनिया में नहीं है, पवन वो है जो महाराष्ट्र की बीजेपी पार्टी का मूल व्यक्ति था, मुख्यमंत्री के निवास पे जाने में उसकी गाड़ी को रोकते जो पवन रोसाओं का वो गिरा, ठीक है किसी कारणवश भगवान को जल्दी प्यारा हो गया, उनके पिताजी आप जब वसुंधरा मैडम मुख्यमंत्री होते थे सीएम थे उस समय, तो हमारा पवन भाई मेरी बात हुई, बोले पवन भाई कहता भाई चल श्रवण तू कहते हो तेरे सीएम के साथ खाना खिला दो, मैंने कहा भाई साहब सीएम के साथ हमारी कहा हो, श्रवण तू कब चिंता मत तेरे भाई बैठा ना तेरे भाई, मतलब उनके पिता है दोस्तों, इसलिए जात छोड़ो, अच्छा भाई अपन जात की बात धर्म की बात करें तो बालो हमारा मियाँ भाई कहें वोट कौन जा, तो भाई मियाँ ने कैमरे बबुल खाजी बन गया, चार बार आंखें बन के तो एक परिवार को ठेको हो गया, मियाँ मियाँ भाई ने कैमरे कमाए तो ठेको परिवार को हो गयो, उन्हें बटन चाला जा अपना नंद किशोर जी चार साल हूँ आपका नंद किशोर, बैके मैं चुनाव जीतते ही को नहीं आपको बताऊँ, बैके मैं तो इसलिए लड़ रहा हाँ कि लोग दूर नहीं हो जा ताकि अगली बार प्रत्येक का काम आ जाए हमारे, जहाँ कोई थेबा की भपति हो रहा उठे, अरे यार कोई अड़ाव है क्या फतेह पर सर कोई चल जाए, फतेहपुर का जाया, अरे आपको एक दुर्भाग्य पता है क्या, दुर्भाग्य पता है क्या, पता कर लेना 75 साल में फतेहपुर की धरती का जन्मा आदमी आज तक मंत्री नहीं बना पता है किसी को, एक सिंगल आदमी मंत्री असली टाक बने थे और यहाँ के जन्मे नहीं थे, फतेह बंडावा के मंत्री, रतनगढ़ के मंत्री, चूरू के मंत्री, शेखावाटी में ऐसी कोई विधानसभा नहीं है जहां जन्मा जाया मंत्री नहीं बना, एक फतेहपुरी है पता करके हो तो मुझे बता देना, फतेहपुर का जन्मा जाया क्या कोई बत्ती लेके आया कभी आज तक, तो क्यों आता क्यों आप सैनी वोट दिया ही को नहीं चक्रो पड़े आपा तो कड़ी ढोल लगे रिया दोस्तों, और एक बात कहता हूं, जब महाभारत शुरू होने वाला था, महाभारत शुरू होने वाला था तो कृष्ण जी को दूत बना के भेजा, या एक कहते हैं कि दूत खुल के कृष्ण मीडिएटर बन के कौरवों के पास, और कृष्ण ने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए, आप 5 गांव दे दो पांडवों, केवल 5 गांव दे दो, हम सब जानते बेटे 5 गांव दे दो, वो भी कौरव दे नहीं पाया, फिर जो कृष्ण ने कहा था उसका नतीजा कुछ कहा कि अब तो भूख नतीजा 5 गांव भी पांडव कौरव दे ना पाए, तो उसके बाद जो महाभारत बनी ना, तो मैं तो स्पष्ट कहता हूँ सबके हाथ जोड़ता हूँ कमल खिलाओ, नहीं दोस्तों यहाँ बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, कमल के बिना हमारी कहीं को पूछ नहीं है, और आप विजन पे रहें, आप सोच पे रहें, जैसे उत्तर प्रदेश में योगी जी मुख्यमंत्री हैं तो वहां क्राइम खत्म किया, तो भाई क्राइम खत्म हुआ तो फायदा हिंदू को भी है, फायदा मुसलमान को भी है, दोस्तों बदमाश आदमी की कभी कोई जात धर्म नहीं होता है, इसलिए वहां क्राइम आज लोग सुखी हमारे पास है, काफी मेरे स्टाफ यूपी का स्टाफ है, मेरे पास सैकड़ों बच्चे पढ़ते यूपी से, वो कहते साहब हमारी वहां स्थिति बहुत अलग थी पहले, इसलिए कुछ लोग केवल अपने निहित स्वार्थ के लिए जाति का धर्म का आपका यूज करते हैं, दोस्तों हम इंसान बिल्कुल मैं सुख कहता हूँ मैं हिंदू हूँ इसमें क्या बात है, हूँ मैं जाट हूँ पर मैं इंसान भी तो हूँ यार,
वो तो जहां मैं जन्म ले लिया, कोई भी आदमी कहीं जन्मेगा उसके, हमारी परंपरा है देश की, कोई जाट है, कोई ब्राह्मण है, कोई मुस्लिम है, कोई राजपूत, वो तो भगवान ने बनाया है, हमारी संस्कार है। लेकिन मैं इंसान भी हूँ, शिक्षक हूँ, और शिक्षक की कोई जात नहीं, कोई धर्म नहीं, शिक्षक अपने आप में एक खुद जात है। बात करते हैं डेवलपमेंट की, तो आपके श्रवण ने अब भी फतेहपुर तहसील के 38 लोगों जॉब दे रखा है, जो चुनाव लड़ रहे हैं वो 38 के नाम के साथ जॉब दे रखा है, तो अब भी मेरे 38 लोग कम से कम काम करते हैं, अब भी 38 लोग काम करते हैं, 38 जॉब अभी दे रखा है, जो मेरा चुनाव लड़ा है वो 38 का काम कर, बताओ ना आपकी फैक्ट्री में, आपकी इंडस्ट्री में, तो ऐसा नहीं होता भाई। खैर मैं थोड़ा भावुक हो जाऊंगा, चीजें रोक देता हूँ। तो आज सारनाथ जी के मंदिर से हमारी दंडवत यात्रा रहेगी, वो कोई पॉलिटिकल यात्रा नहीं है। अच्छा मुझे कोई कहे साहब दंडवत यात्रा करनी पड़ेगी, तो भाया मैं तो रोज आवा हूँ, करीब 6-7 यात्रा संख्या आगे पीछे हो चुके, मैं टोटल अब तक लगभग 40 यात्रा पैदल कर चुका हूँ, सीकर से सालासर, गांव से सालासर, सीकर से जीन माता, सीकर से रोसावा सातड़ा। तो ये मेरी यात्रा जो थी ये डिसाइड पहले से है, ठीक है। तो ये यात्रा मेरी बोली हुई थी, ये यात्रा हम लोग कर रहे हैं, तो आप सब लोग मेरा साथ दें और मिस गाइड लक्ष्मीनाथ जी मंदिर तक यात्रा है। हाँ, उसके बाद मंदिर यात्रा रहेगी रोज शाम को, उसके बाद यहाँ से भाई एक यहाँ से वहां से यात्रा फ्री होते ही मैं मेरे गांव रोसावा जाऊंगा, और अगले कल से सुबह से फिर हम गांव में घर के सबसे मिलेंगे, वो जो एक होता ना मिशन टाइप 10-5 वर्ष से गाड़ी बने, हम गांव में जाएंगे, कोशिश करेंगे, फिर भी पॉसिबल 2.5 लाख प्लस वोटर है, सबसे मिलना दस दिन मुश्किल है, बट 5 साल में सबसे मिलेंगे, और सभी के जो भी एक मानवता के नाते एक एमएलए की औकात या उससे थोड़ी ऊपर जाके जो सहायता मुझसे हो पाई कानून के दायरे में, श्रवण कभी पीछे उसमें नहीं होगा, इतना मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ। तो आज से चुनावी आगाज है, चुनावी यात्रा का रोसावा से आज शाम से। इसी के साथ बोलो भारत माता की जय, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, बोलो नाथ जी महाराज की जय, कमेंट और ईमानदार प्रत्याशी कमेंट जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे बोल, जो लोग लेट जुड़े हैं वो 1-2 मिनट का टाइम निकाल कर और जुड़े रहेंगे और शेयर कर दें इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा। क्या क्या बातें हुई आज पहली बार सार्वजनिक मंच पर, श्रवण चौधरी ने करीब 45 मिनट दावा बोला है और निशाने पे थे जेजेपी प्रत्याशी नंदकिशोर मेहरिया, उन्होंने खुला चैलेंज किया और जो आरोप फील्ड में उन पर लगाए जा रहे थे उनका भी उन्होंने जवाब दिया कि क्या मैंने फ्री में एजुकेशन दी थी, तो उन्होंने कहा मेरे सामने लड़ने वाले प्रत्याशी ने भी फ्री में कोई सेवाएं नहीं दी, अगर उन्होंने अपनी ऑटोमोबाइल की दुकान में फ्री सेवाएं दी हैं तो वो मुझे बोल सकते हैं। उन्होंने कहा कि 20 सालों से नंदकिशोर मेहरिया यहाँ कढ़ी खराब कर रहे हैं, कढ़ी बिगाड़ रहे हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि एक भाई लक्ष्मणगढ़ में कमल के फूल पर चुनाव लड़ रहा है और दूसरा भाई यहाँ दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ रहा है, तो लक्ष्मणगढ़ में उनकी स्थिति क्या होगी, खुला चैलेंज किया उन्होंने। आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको ये चीज़ें मिलेंगी। और उन्होंने कहा कि घर बैठे टिकट आ गई, मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ, बाई बर्थ पॉलिटिशियन नहीं हूँ, और मैंने जो सेवा की थी उसका ये फल मिला है, तो निश्चित ही सब लोग मुझे जानते हो और आप लोग जब सपोर्ट करोगे तो बहुत शानदार होने वाला है। आज शहर में एक मंदिर से दूसरे मंदिर लक्ष्मीनाथ मंदिर तक उनकी दंडवत यात्रा होगी, उसके बाद रोसावा जो उनका पैतृक गाँव है इंजीनियर श्रवण चौधरी का, जो भाजपा प्रत्याशी हैं फतेहपुर शेखावाटी से, उनकी रोसावा गाँव से चुनावी यात्रा है वो शुरू हो जाएगी। कांग्रेस का एक बार उन्होंने नाम लिया है, जब ये उनके मन में आया कि मुस्लिम समाज को कैसे जोड़ा जाए तो उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज के प्रत्याशी नहीं हैं, होते हैं आकामेली, वो एक परिवार विशेष के प्रत्याशी हैं, पहले बहुरू का लगातार यहाँ से विधायक बनते थे, आकामेली बन रहे, तो इसमें मुसलमानों का कौन सा भला हुआ। तो एक एक बात जो फील्ड में उनके लिए प्रचारित की जा रही थी, जो प्रचार हो रहा था उनका इंजीनियर श्रवण चौधरी ने खुलकर जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि फतेहपुर का मेरी कोचिंग में भी हमेशा ध्यान रखा गया है, मैंने अपने प्रयासों से सीकर को शिक्षा में सिरमौर बनाया और वहाँ भी बहुत दिक्कतें आती, जब भाषण उन्होंने शुरू किया तब उन्होंने ये कहा कि मैंने मेहनत तो अपने फील्ड में बहुत की थी लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि राजनीति में इससे भी ज़्यादा मेहनत होती है क्या।
तो मैं राजनेता को भी सल्यूट करता हूँ। यहाँ आकर मुझे पता चला कि इसमें इतनी ज़्यादा मेहनत होती है क्या। बहरहाल ये देखना दिलचस्प होगा कि फतेहपुर की सियासत का ऊंट किस करवट बैठता है। एक और शक्ति प्रदर्शन आज फतेहपुर शेखावाटी में है। जेजेपी प्रत्याशी नंद किशोर महरिया ने भी अभी अपने कार्यालय का शहर में उद्घाटन किया है, और कांग्रेस की तरफ से टिकट वितरण का काम है वो अभी ड्यू है, तो वहाँ से कौन सा क्या नाम आता है। दो जाटों के मैदान में उतरने के बाद ये फतेहपुर की जो सियासत की लड़ाई है, फतेहपुर विधानसभा का जो चुनाव है, वो निश्चित रूप से रोचक हो चुका है। और भी कई तरह की चर्चाएं चल रही है सोशल मीडिया पे। ये भी चर्चा चल रही है कि पूर्व विधायक बमरू खां की फैमिली से उनका बच्चा या उनकी मिसेज आरएलपी से या किसी भी प्लेटफॉर्म से चुनाव मैदान में उतर सकते, तो बहुत रोमांचक दौर पर मोड़ पर यह चुनाव धीरे धीरे जाने वाला है। इसी तरह की खबरें आपको मिलती रहेगी। आपसे गुजारिश रहेगी कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सारी बातों का जो इसमें आ रही है जितेंद्र जी सैनी और भी जो लोग कह रहे हैं, सबका जवाब उन्होंने दिया है बिल्कुल अच्छी तरह से। आप लोग का प्यार है वो हमारी ताकत है, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारा किसी पार्टी से वैसे लेना देना होता नहीं है। जहाँ हमें इनवाइट किया जाता है उनका मैसेज हम आप तक पहुँचाने का काम करते हैं। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात खास रही, मधुसूदन भिंडा जिन्होंने जो नब्ज टंटोल रहे हैं लोगों की, वो यहाँ मौजूद नहीं थे, और गोवर्धन सिंह रुकन सर और महावीर जी कटारिया के अलावा कोई भी जो टिकटार्थी थे, सुनीता जाखड़ है, विकास भास्कर थे क्या, हाँ विकास भास्कर मौजूद थे, महावीर जी कटारिया थे और गोवर्धन जी रुकन सर थे। गोवर्धन जी का तो नाम ही उन लोगों में है कि अभी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस फिर शुरू की है श्रवण जी ने, तो फिर हम उनसे बात करते हैं। और आपके कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। फिलहाल उन्होंने सादगी पूर्वक, ज़्यादा भीड़ भाड़ और माइक वगैरह तामझाम उन्होंने लगाया नहीं, यहाँ जो विधिवत आगाज यहाँ पर कर दिया है, लोग यहाँ सम्मान कर रहे हैं उनका। गोवर्धन जी, हाँ सर, आप तो टिकटार्थी खुद थे, हाँ, और ग्राउंड पर मेहनत भी कर रहे थे, हाँ, फिर पैराशूट उम्मीदवार आने के बाद भी आप तुरंत उसी दिन से मैदान में हैं। नहीं नहीं नहीं, उन्होंने कहा घर जाके, उनके स्पीच से आइए बातें। आपका क्वेश्चन क्या था कि पैराशूट उम्मीदवार, हाँ गलत, आप कर रहे थे मेहनत तो पब्लिक की है, मेरी कोई ओपिनियन नहीं है, हम कब करें मेहनत, तो आप इतफाक नहीं रखते इस बात से। फिर लेकिन पार्टी का जो है, पार्टी ने जो निर्णय लिया है वो शर्माते हमारे, बिल्कुल बिल्कुल, पार्टी की पार्टी की बात कोई छोटी मोटी बात थोड़ी है। पार्टी ने बहुत सोच समझ के दिया होगा, ऐसा लगा होगा कि हम 10 जो हैं हमसे कहीं न कहीं ये सीट नहीं निकल रही होगी, उनका कहीं सर्वे बोल रहा होगा, कहीं न कहीं मजबूत आदमी उन्होंने ढूंढा होगा। और पैराशूट के नाम से एकदम मैं खंडन करता हूं इस बात से, भले किसी भी स्पीच पे हो, भले कोई व्यक्ति बोल रहा हो, अगर सरोज कुमार ही अगर पैराशूट है तो इसका मतलब फतेहपुर से सभी पैराशूट है। तो पहले दिन से बगावत शुरू हो गई, आप देख रहे हैं, पूर्व विधायक जो दो बार भाजपा प्रत्याशी रहे, हाँ, निर्दलीय विधायक रहे, उन्होंने उसी दिन दूसरी पार्टी का झंडा पहले से थाम रखा था और ये अनाउंस कर दिया। उस बगावत को किस रूप में देखते हैं गोवर्धन जी? हमारे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बीजेपी को कोई फर्क नहीं, अगर वो जेजेपी से चुनाव लड़ेंगे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपनी पूरी मेहनत कर लें। उनको जिताने वाले भी हम भी थे निर्दलीय, जिस दिन वो जीते थे उस दिन उनके रथ पे सबसे आगे हम ही खड़े थे। एक बात और कही श्रवण जी ने कि एक भाई 15 किलोमीटर दूर बीजेपी से चुनाव लड़ रहा है और दूसरा यहाँ जेजेपी से लड़ रहा है, तो ये तो कड़ी बिगाड़ने वाली बात नहीं, ऐसी कड़ी बिगाड़ने वाली। सुभाष महरिया जी वहाँ से अगर हमारे कैंडिडेट हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि फतेहपुर में वो हमारे लिए वोट मांगने के लिए अपने भाई के सामने खड़े होंगे, ये मैं आपके चैनल के थ्रू बोल रहा हूँ। इससे पहले तो फतेहपुर आए नहीं हो? आए हैं, क्यों नहीं आएंगे, आ जाएंगे, बुलाएंगे हम, बुलाएंगे, क्यों नहीं आएंगे बताएं। पहले उन्होंने ये कहा था जब कांग्रेस में थे कि मैं सीकर संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ता हूं और चौमू सहित मेरी जिम्मेदारी होती है, फतेहपुर की नहीं होती है। अब अगर आते हैं तो आपके लिए इनिशिएटिव रहेगा। हमारे फतेहपुर वालों की सबसे बदकिस्मती हमारी यही तो है, हाँ, हमारा लोकसभा क्षेत्र झुंझुनू पड़ता है, हाँ, हमारा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है सीकर, हाँ, हम कहीं कहीं नहीं है, तो कम से कम हम हमारा वजूद बनाएंगे तभी तो हम सीकर में जाएंगे। अगर सीकर वाले तभी तो पूछेंगे जब उनके मुख्य मारेंगे, वाणा कौन पूछेगा, कोई नहीं पूछेगा हमको। आप टिकटार्थियों में महावीर जी भास्कर और विकास जी भास्कर और महावीर जी कटारिया, इनके अलावा जितने आप लोग टिकटार्थी थे ग्राउंड पर मेहनत कर रहे थे वो आज नजर नहीं आ रहे, कितनी उम्मीद है डैमेज कंट्रोल कर पाएंगे आप? डैमेज कंट्रोल पूरा डैमेज कंट्रोल है, ये परिवार का मामला है, ये पार्टी का मामला है, हर भाई हमसे रूसते हैं, हो जाएंगे, एक नहीं कल हो जाएंगे, कल नहीं तो परसों हो जाएंगे, हम सब एक साथ मजबूती से कमल को खिलाएंगे। क्वालिफाइड प्रत्याशी लेकर आए हैं आप? एकदम क्वालिफाइड, आप बता दो ना, आप बता दो, आप पूरा सर्वे कर लो, पता लो किसी किस एंगल से हम कमजोर है बताएं आप। वो कह रहे थे राजनीतिक चालाकियां मुझे नहीं आती, नहीं राजनीति उनको नहीं आती लेकिन हमको तो आती है ना, हाँ।
हमको तो आती होंगे तो वो पूर्ति कर देंगे आप 100% क्यों नहीं। आप बोल रहे थे क्या, कौन सा जी? वो रास्ते सब हमारे पास है, जो रास्ते उन्होंने देख रखे हैं ना, जिन जो भी भले वो जितने भी हमारे प्रत्याशी हैं, वो जिस रास्ते से वो जा रहे हैं वो रास्ते हमारे हमारे खुद के चलाए हुए हैं, हर रास्ते से हम वाकिफ हैं और कहीं हम कमजोर नहीं है। क्या गोवर्धन जी ही टिकट मतलब आगे बढ़ बात हो गई, ये आदमी ठीक है हमारे बीच में से, तो ये भी इसमें सच्चाई है क्या कोई? क्या चीज़? क्या गोवर्धन जी एक दो आदमी और गया जगह क्या के साथ? इसमें कोई सच्चाई नहीं है, ये पार्टी का मामला है। मैं तो खुद मांग रहा कराऊ ना, मैं खुद कह रहा था, यह सबसे प्रबल दावेदार था, नहीं हो तो प्रतिनिधि देख लो यार, 10 साल के पीछे की मेरी मेहनत देख लो आप, और इन सबका गुरु हूँ मैं, भले होर्डिंग पोस्टर दीवार लेखन सब के कहीं पे जैसे जो भी अगर बीजेपी का प्रचार अगर फतेहपुर तहसील का सीकर जिले में सबसे ज्यादा किया तो मैंने किया, तो मैं पार्टी के इस गाइडलाइन के पार्टी का जो जो भी निर्णय है वो एकदम सही है, हम इसके साथ हैं और हम कमल खिलाएंगे 1000% खिलाएंगे। ये थे गोवर्धन सिंह रुकन सर, जो खुद टिकट के दावेदार हैं कई चुनावों से, और उन्होंने तुरंत टिकट की घोषणा होते ही श्रवण चौधरी को अपना समर्थन दे दिया है। एक और कार्यकर्ता हमारे साथ हैं। सर मैं दादारामगढ़ से बिलोंग करता हूँ, मेरा नाम बनवारी है और मैं श्रवण जी को एक बड़े भाई के रूप में अच्छा आशीर्वाद है। मैं क्यों जानता हूँ मेरे साथ क्यों इनका साथ है? भाई साहब मैं कहीं घूमने गया था एमपी में, शिवपुरा और शोपर दो जिले पड़ते हैं, तो मैं घूमने गया तो वहाँ मेरे को एक गार्जियंस मिले, एक बच्चे के डॉक्टर्स के जो गार्जियंस टीचर थे, अक्रम नाम था उन टीचर्स का, तो मैंने बोला कि सर कहाँ से हो, मेरे को पूछा उन्होंने कि कहाँ से हो, सीकर जिले से हूँ, श्रवण सीकर जो शिक्षा नगरी बनाई उस जिले से हो, हाँ बिल्कुल, तो उन्होंने मेरे को इतनी इज्जत दी, इतना मान सम्मान दिया। श्रवण जी भाई साहब मैं उसी दिन से प्रभावित, फिर भी कई जगह घूमने जाते हैं, तो श्रवण जी ने आज सीकर जिले को शिक्षा नगरी बनाई, आज 1996 से लगातार प्रयत्न करते रह रहे और श्रवण जी ने शिक्षा नगरी बनाई, आज सीकर जिले को जाना था जाता है तो शिक्षा नगरी के नाम से होल्डिंग सीकर में प्रवेश करते हैं, तो सबसे पहले दादारामगढ़ वालों का फतेहपुर में क्या बेनिफिट मिलेगा, आप लोग आओगे क्या, क्या करोगे, क्या रहेगा? मैं एक बड़े भाई जो मैं प्रेम भाव हमारा पूरा सपोर्ट रहेगा बड़े भाई के नाते, मेरा एक परिवार की तरह है, तो मैं इनसे प्रभावित हुआ, कहीं घूमने गया कहीं बच्चे मिले इनके, उसको देख के जो बंदा सीकर जिले को शिक्षा नगरी बनाता है वो फतेहपुर को विकास नगरी भी बना सकता है। एक एक बच्चा, लोग कहते हैं कि बच्चे फ्री में नहीं पढ़ाते, मैं कहता हूँ हर विधानसभा में मेरी विधानसभा से कम 50 बच्चे हॉस्टल कोचिंग भी फ्री पढ़ते हैं हर साल। ये सवाल आ रहा है इसी लाइव में, बिल्कुल बिल्कुल बढ़ते हैं इनकी इंस्टीट्यूट में बढ़ते हैं, इस साल भी मैंने 10 एडमिशन करवाए हैं फ्री के, हॉस्टल कोचिंग बिल्कुल फ्री है, CLC पढ़ाती है वो। कैसे फ्री है? बिल्कुल CLC में फ्री है हॉस्टल कोचिंग, हॉस्टल कोचिंग बिल्कुल फ्री है दोनों की। अच्छा आपके बच्चों की है? हमारे बच्चे नहीं, जो SI बच्चे हैं उनके पिता नहीं है, कोई गरीब बच्चा है सक्षम नहीं है पैसे जमा कराने में, तो श्रवण चौधरी हेल्प कर सकता है सीकर में, और किसी की हिम्मत नहीं और कोई स्टूडेंट नहीं कर सकता, तो CLC उसकी मदद करती है। नाम क्या बताया आपने? बनवारी भामू नाम सर मेरा। चलिए एक मिनट हम श्रवण जी से फिर बात करेंगे, जुड़ेंगे उनसे, आप लोग और बने रहिए हमारे साथ एक दो मिनट। ये लोग बाग स्वागत कर रहे हैं श्रवण जी का। पीछे जाओ फोटो लाते भाई के साथ कमाते थे बात बात करनी है मैं। एक मिनट इनको बाइट लेना है। हाँ 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 लाइव है। एक मिनट को बाइट लेना है। हाँ सर करीब 40 मिनट आपने अभी एड्रेस किया लोगों को, लेकिन फतेहपुर के कोई मुद्दों को टच नहीं किया, विजन क्या है आपका? विजन फतेहपुर की प्रगति, और सबसे पहले स्टार्ट शिक्षा से होती है, शिक्षित लोग हो गए अपने आगे बढ़ेंगे, उसके बाद जो सरकारी योजनाएं होती है वो तो है, इसमें क्या बात है, वो लाई जाएंगी। यदि मैं विधानसभा पहुंचता हूं तो जो भारत सरकार और केंद्र सरकार राजस्थान सरकार जो योजनाएं हैं उनमें जो जितना अधिकतम पैसा उस खदान से निकाला जा सकता है ना वो हम लेके आएंगे, प्लस हमारे सेठ साहूकार है उनसे भी निवेदन करेंगे विनती करेंगे, उनके पास कोई नहीं गया। मैं टिकट मिलने के बाद मेरे पास ऐसे 2-3 फोन आए मेरे गार्जियंस के, क्या श्रवण भाई तू जीत मान तो आज तक कोई पूछे को नहीं, मैं तैयार रहा का फतेहपुर को लगावा पर बैठे विधायक मानो बात करी को नहीं, ये बिल्कुल करेंगे साहब। कांग्रेस से ज्यादा आपने मैरिया ग्रुप पर
बाण शब्द बाण चलाए हैं तो उनको अपने प्रतिद्वंदी मान के चल रहे हैं या बगावत है उनकी, क्या है? बगावत है, इसलिए वो जैसे मतलब इसको बोलते हैं कि किसी व्यवस्था को खराब करना, व्यवस्था खराब करने की। मैं भाजपा का व्यक्ति हूँ क्योंकि उनकी व्यवस्था खराब होने से मेरी लक्ष्मणी बातों से डिस्टर्ब होती है, इसलिए। हाँ, ये आपने कहा भी अभी कि एक भाई जेजेपी से लड़ रहा, दूसरा बीजेपी से लड़ रहा, 15 किलोमीटर की दूरी पर। हमारी हमारी पार्टी की दो सीट डिस्टर्ब होती है, रिजल्ट तो हमारे पक्ष में डिस्टर्ब होती है, मतलब दर्द होता है। थोड़ी प्राथमिकताओं को क्लियर कर पाएंगे श्रवण जी? जैसे एजुकेशन की आपने बात की तो यहाँ दो कॉलेज गर्ल्स और बॉयज हो गए, सेकेंडरी जो स्कूल्स थी वो सारी सीनियर सेकेंडरी में कन्वर्ट हो गए, सरकार के नुमाइंदे होंगे आप? जी जी, वो करा दी नवोन्नत, लेकिन वहाँ स्टाफ की स्थिति क्या है? हो सकता है मैं आते प्राइवेट सेक्टर का हूँ, हम एक कॉर्पोरेट कल्चर में, कॉर्पोरेट कल्चर की स्कूल की तरह नहीं, जैसे होता ना अपना ये, जैसे हम लोग सीकर में कोचिंग चला रहे हैं, एक मध्यम वर्ग की फीस की जो स्कूलें होती है, इस तरह की हम सब लोग मिलके, हो सकता है जितने सब स्कूल चला रहे हैं उनके साथ मिलके स्कूल एजुकेशन पे, कॉलेज एजुकेशन पे और कोचिंग सेक्टर भी डेवलप किया जाएगा, वो तो किया जाएगा, मेरा मूल सेक्टर हो। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोग जुड़े रहिए हमारे साथ, बहुत टाइम आपका हमने आज लिया है और फिर इसी तरह का कोई लाइव लेकर आपके सामने आएंगे हम। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे एक गुजारिश रहेगी, अगर आप मेरी बात मानते हैं और इस तरह की घटनाओं से, इस तरह के कार्यक्रमों से जुड़े रहना चाहते हैं तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो लोग नए हैं हमारे इस चैनल पर वो इस पेज को फॉलो कर लें। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।